नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफों का दौर तेज हो गया है। अब आगरा से बीजेपी के पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया ने प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के पदों से इस्तीफा दे दिया है। 3 बार के सांसद प्रभुदयाल कठेरिया अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो इन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कठेरिया लंबे वक्त से अपने बेटे अरुण कांत के लिए आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान किया और उसमें कठेरिया के बेटे को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गए और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। प्रभुदयाल कठेरिया ने साल 2012, 2014 और 2017 में अपने लिए टिकट मांगा था। इस सीट पर आपको बता दें कि बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य को टिकट दिया है। इस बार प्रभुदयाल कठेरिया के बेटे अरुण कांत ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रभुदयाल के बेटे ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि कठेरिया ने अपने बेटे का नामांकन पत्र भी दाखिल कराया है। पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया ने कहा है कि वह भाजपा के सदस्य बने रहेंगे लेकिन किसी पद पर काम नहीं करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि प्रभुदयाल कठेरिया के बेटे अरुण कांत पार्टी की टिकट पर आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। पार्टी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए प्रभुदयाल कठेरिया ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।